बाबा बालकनाथ गुरुदेव यहाँ एक बालकनाथ नाम का साधु है जो कभी भोजन ही नहीं करता। सभी गांव वाले उसी का ही गुणगान कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी एक बाबा बालकनाथ नाम के साधु है, उन्होंने तो कभी भिक्षा नहीं मांगी और ना ही वो कभी भोजन करते हैं। हमारे यहाँ भी एक बाबा बालकनाथ नाम के साधु है, उन्होंने तो कभी भिक्षा नहीं मांगी और ना ही वो कभी भोजन करते हैं। राज का प्रणाम स्वीकार करे वाले ओगणनाथ जी। गुरुदेव उस बालकनाथ को तो हमारा शिष्य होना चाहिए। अवश्य गुरुदेव, आप जैसा गुरु मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। तो चलो गणनाथ। बालकनाथ, हम चाहते हैं कि तुम हमारे शिष्य बनकर हमारी शरण में आ जाओ। हम जैसे गुरु पाकर तुम और भी महान हो जाओगे और हम तुम्हें तंत्र मंत्र जादू टोना माया ये सब सिखाकर एक महान योगी बना देंगे। मगर ऐसा होना असंभव है ऋषिवर। आप जैसा गुरु मिलना बड़े सौभाग्य की बात है, परंतु ऋषिवर आप तो जानते ही है गुरु केवल एक ही होता है। अतः आप मुझे क्षमा करें ऋषिवर, मैं गुरु दत्तात्रेय का शिष्य बन चुका हूँ। बालक, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें सही गलत की पहचान नहीं है। मेरा शिष्य बनकर तुम्हारा भला हो जाएगा और हमारी दी हुई शक्ति से पूरा संसार तुम्हारे कदमों में होगा। मगर ऋषिवर, मैं आपको गुरु नहीं बना सकता, क्योंकि एक गुरु की शरण में रहने वाला ही भवसागर से पार हो सकता है। ये बड़ी बड़ी बातें करके कुछ हासिल नहीं होगा बालक। एक अच्छे बालक की भांति मेरा शिष्य बन जा, इसी में तेरी भलाई है। वरना बलपूर्वक हमें अपना शिष्य बनाना भी आता है। अगर हमारे कुंडल तुम्हारे कानों में पड़ गए तो तुम्हें हमारा शिष्य बनना ही पड़ेगा।
इसीलिए चुपचाप मेरा शिष्य बन जा, इसी में तेरी भलाई है। ऋषिवर, इतना अहंकार आपको शोभा नहीं देता। अगर आप मुझे अपना शिष्य बनाना ही चाहते हैं, तो मुझे दिव्य शक्ति में हराकर दिखाओ। अगर मैं हार गया तो मैं खुद आपको गुरु मान लूंगा। अच्छा, ले मैं अपना आसन हवा में फेंकता हूँ और इसे तू नीचे उतार कर दिखा। बालक, हमें जादू टोना दिखाते हो? बालकनाथ, हमें चमत्कार दिखा रहे हो? यह बालक आपका सामना कैसे कर सकता है? ओगरनाथ जी गुरुदेव, यह कुंडल इसके कानों में पहना दो, फिर ही हमें अपना गुरु मानने लगेगा। गुरुदेव, इस बच्चे के दुकान से खून की जगह दूध निकल रहा है। तुम इसके कानों में हमारे कुंडल पहना दो। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, यह बालक तो गायब हो गया। ओगरनाथ, ढूंढो उस बालक को और हमारे पास लाओ। जी गुरुदेव।